हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका मेरे चैनल शहजादेस किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही नए और टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चटपटे और मज़ेदार से नाश्ते को बनाने के लिए एक चटनी जार में हम डालेंगे आधा कप हरा धनिया, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई पालक के पत्ते, दो हरी मिर्च, तीन लहसुन की कलियां और एक से दो टेबल स्पून पानी डालकर इसकी हम एक स्मूथ सी प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और सबसे पहले इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल, आधा टीस्पून नमक, एक चौथाई टीस्पून जीरा और दो टेबल स्पून बारीक वाली सूजी इसमें डालेंगे और साथ ही डाल देंगे तीन चौथाई कप आटा। आप चाहे तो आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी ग्रीन प्यूरी। सभी चीज़ों को पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हाथ से मसल कर इसका एक चिकना डो लगाकर तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर हम रख देंगे, जिससे कि आगे की प्रोसेस के लिए अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लेंगे एक बड़ी साइज की प्लेट और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून नमक, एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ छोटा प्याज। दो उबले हुए आलू लेंगे और उन्हें इस तरह से क्रश करके इसमें डालेंगे। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, इससे मसाले में अच्छी बाइंडिंग आएगी और मसाले को चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू के रस को भी इसमें हम डाल देंगे। आप मसाले में बाइंडिंग के लिए कॉर्न स्टार्च की जगह पोहा या परमल को भी पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाकर एक तीखा चटपटा स्मूथ सा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। हथेलियों को तेल से ग्रीस करके आटे को हल्का सा मसलेंगे और इसके दो बराबर साइज के बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। अब आगे की प्रोसेस में हम चकला, बेलन और आटे की लोई को तेल से ग्रीस करेंगे और इसे बेलेंगे। पराठे की मोटाई जितना थिक बेलकर इसे हम तैयार करेंगे। अब हम एक चाकू की हेल्प से इसके चारों साइड्स को सीधा काटकर एक चौकोर शेप दे देना है इसे। देखिए इस तरह से। अब आलू के मसाले को दो बराबर भागों में बांट लेंगे और एक भाग को इस पर अच्छे से फैलाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हल्के हाथों से बेलन को मसाले पर चलाकर इसकी स्मूथ सी लेयर तैयार कर लेंगे। अब हम एक साइड से इसे दोनों हाथों से उठाकर टाइट रोल तैयार करेंगे। हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है और ये न तो ज़्यादा हार्ड है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट, तो बहुत ही अच्छे से ये रोल हो पा रहा है। अब एक चाकू पर हल्का सा तेल लगा लेंगे और इससे रोल को 2 इंच चौड़े टुकड़ों में काटेंगे। हमें इन्हें सीधा न काटते हुए थोड़ा तिरछा काटना है। देखिए इस तरह से। अब हम इस नाश्ते को एक प्यारा सा शेप देंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रॉ लेंगे और उसे इस तरह से सेंटर में नीचे तक हल्के हाथों से दबा देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से बाकी के पीस को भी तैयार करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा शेप और डिजाइन आ गई है हमारे नाश्ते में।
बचे हुए आटे और आलू के मसाले से इसी तरीके से एक टाइट रोल बनाकर तैयार करेंगे और चाकू से इसके पीसेस कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल शहजादिस किचन एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक पेंसिल स्ट्रॉ या स्टिक से इन्हें हल्के हाथों से दबाकर डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, तो इसके लिए एक पैन में तेल को अच्छा गरम करेंगे और एक एक करके नाश्ते के पीस इसमें डालेंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई के बीच एडजस्ट करेंगे। अगर लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। स्टफिंग हमारी अच्छे से पकी हुई है, हमें सिर्फ ऊपर की परत को क्रिस्पी तलकर तैयार करना है। गरम तेल इन पर डालते जाएंगे और ऊपर से इन्हें सेकते जाएंगे। जब ये नीचे से थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो इनकी साइड को हम टर्न कर देंगे। बचे हुए नाश्ते को भी खाली जगह में डालते जाएंगे और इन्हें 2 से 3 बार उलटते पलटते हुए ऊपर से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जो भी नाश्ते के पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं उन्हें तेल से बाहर निकालते जाएंगे और बचे हुए नाश्ते को भी अच्छे से सेक लेंगे। लीजिए, हमारा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू पालक का नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर टमेटो केचप के साथ सर्व करें, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।